ओम शांति। आज 1 जनवरी 2023 और बाप दादा के इस नए मास के, नए वर्ष के नए मास में अव्यक्त इशारे का विषय रहेगा। बाबा ने इस समय अव्यक्त स्थिति पर ध्यान खिंचवाया है। अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए एकांत में रह एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ और विषय रहेगा पूरे मास का, एकाग्रता को अपनाओ, एकांत प्रिय बनो। तो सुनते हैं अव्यक्त इशारे। बाप दादा चाहते हैं कि हर बच्चा एक श्रेष्ठ स्थिति के आसनधारी, एकांतवासी, अशरीरी, एकता स्थापक, एक नामी का अवतार बने। एक दो के विचारों को समझ सम्मान दो, एक दो को इशारा दे, लेन देन कर आपस में संगठन की शक्ति का स्वरूप प्रत्यक्ष करें। अव्यक्त स्थिति को बढ़ाने लिए एकांत में रुचि रखें। सर्व संबंध, सर्व रसनाएं एक से लेने वाला ही एकांत प्रिय हो सकता है। तो बाबा ने आज एकांत प्रिय होने पे ध्यान खिंचवाया, एकाग्रता पर ध्यान खिंचवाया, संगठन में बल है उस पर ध्यान खिंचवाया और श्रेष्ठ स्थिति के आसनधारी माना अपने श्रेष्ठ स्थिति के सम्मान की सीट पर सेट रहना है और शरीरी अवस्था का बार बार दिन में अभ्यास करना है और एक नामी का अवतार होकर माना मेरा तो एक शिव बाबा सर्व संबंधों की रसना सिर्फ बाबा से लेनी है। फिर बाबा कहते हैं वो बच्चे एकांत प्रिय हो सकते हैं। तो सुनते हैं आज के अव्यक्त वाणी के सार में कुछ मुख्य पॉइंट्स। आज की अव्यक्त वाणी की रिवाइज कोर्स डेट है 26 मार्च 1993 और विषय है अव्यक्त वर्ष में लक्ष्य और लक्षण समान बनाओ। इन द अव्यक्त ईयर मेक योर एम एंड क्वालिफिकेशंस द सेम, ये है टॉपिक। सुनते हैं बाबा, ये बाप दादा के मिलन के सीजन की समाप्ति की आखिरी अव्यक्तवाणी है। माना बाप दादा का जो मिलन का सीजन चलता है ये मार्च मास की आखिरी वाणी है। उस समय के अनुसार इस वाणी में बाप दादा इशारा दे रहे हैं कि कैसे समाप्ति समारोह मनाना है, क्या स्वाहा करना है और क्या नए लक्षण अपने अंदर धारण करने हैं। तो सुनते हैं सार में कुछ मुख्य पॉइंट्स। बाप दादा आज अपने अकारी और साकार रूप में सम्मुख बैठे बच्चों को देख रहे हैं। अकारी रूपधारी माना एंजेलिक फॉर्म में जो बाबा के बच्चे हैं और जो सम्मुख बैठे हैं साकार में, तो बाबा दोनों सभी के दिल में बाबा देख रहे हैं एक ही संकल्प है, एक ही उमंग है कि हम बाप समान साकारी और आकारी, आकारी सो निराकारी कैसे बने। अब बाबा कहते हैं सभी के लक्ष्य और लक्षण को देख रहे हैं। बाबा कहते हैं मेजॉरिटी का लक्ष्य बहुत अच्छा है, दृढ़ है और लक्षण कभी दृढ़ हैं और कभी साधारण। लक्ष्य और लक्षण में अब समानता लाना है, बाबा ये कह रहे हैं। लक्ष्य धारण करने में 99% बच्चे नंबरवार हैं और लक्षण धारण करने में माइनॉरिटी 90% हैं। फिर बाबा कहते हैं बाकी नंबरवार हैं। तो अब बाबा कह रहे हैं लक्ष्य और लक्षण को नेचुरल और नेचर बनाने में अंतर क्यों है, ये इसमें समानता होनी चाहिए। तो बाबा ने देखा नेचुरल नेचर हो जाए इसके लिए अटेंशन। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ द्वारा अपने लक्ष्य और लक्षण को समान भी बनाते हैं, समय प्रमाण, सरकमस्टांस प्रमाण, समस्या प्रमाण। फिर बाबा कहते हैं यह वर्ष अव्यक्त फरिश्ता स्थिति में स्थित रहने का मना रहे हैं और बाबा देख रहे हैं बच्चों के प्यार और पुरुषार्थ को, माना बाबा के प्रति प्यार भी है और अपनी पढ़ाई के प्रति पुरुषार्थ भी देखकर बाबा दोनों को देखकर खुश होते हैं और बच्चों के प्रति गीत गा रहे हैं, वाह बच्चे वाह, बाप दादा गीत गा रहे हैं। और बाबा कहते हैं आगे सब बच्चों के लक्ष्य और लक्षण को समान देखना चाहते हैं, बाबा भी चाहते हैं और आप भी चाहते हो। फिर बाबा कहते हैं जब बच्चे भी यही चाहते हैं, लक्ष्य माना एम भी यही है और बाबा भी यही चाहते हैं, तो फिर अंतर क्यों है। तो फिर बाबा ने अंतर बताया कि आकारी फरिश्ता हो चाहे निराकारी, निरंतर नेचुरल नेचर हो जाए उसके लिए मूल आधार बाबा ने विधि भी बताई और युक्ति भी बताई कि निर अहंकारी बनना है
और फिर बाबा ने कहा, अहंकार अनेक प्रकार के हैं। भल शब्द एक ही आता है, दे अभिमान, लेकिन बाबा कहते दे अभिमान का भी बहुत मोटा रूप, तो जैसे कि अपना देह में या औरों की देह का आकर्षण तो नहीं है, इसके मोटे मोटे रूप में तो सब बच्चे पास हैं, अपने देह के में भी और दूसरों में भी लगाव अभिमान नहीं है, लेकिन बाबा कहते अपने देह के संबंध से बना अपने खास संस्कार विशेषताएं धारणाओं में लगाव है, माना अभिमान आ जाता है, जैसे बुद्धि विशेष है, मेरे में गुण विशेष हैं, मेरे में ये विशेषताएं हैं, ये कलाएं हैं, फलानी शक्ति मेरे में विशेष है, तो बाबा कहते यह अहंकार नशा रोग ये सूक्ष्म देह अभिमान है। तो सूक्ष्म देह अभिमान में से भी अगर कोई अभिमान है तो नेचुरल निरंतर निराकारी आकारी नहीं बन सकते, बाबा ने ये रिजल्ट बताया, क्योंकि फरिश्ता स्वरूप माना आकारी स्वरूप में आने के लिए भी डबल लाइट होना पड़ेगा और देह अहंकार निराकारी बनने नहीं देता। तो बाबा ने कहा अटेंशन अच्छा रखा है, उमंग उत्साह भी अच्छा है, चाहना भी है, लेकिन अब क्या करना है, किसी भी प्रकार का अभिमान माना नेचुरल स्वरूप से पुरुषार्थी स्वरूप तो नहीं बना देता कि हमारा जो पुरुषार्थ है वो नेचुरल होना चाहिए, लेकिन वो पुरुषार्थी स्वरूप तो नहीं बना देता। तो बाबा ने कहा है कि किसी कोई भी सूक्ष्म अभिमान अंश रूप में भी रहा हुआ है तो वह कभी भी समय प्रमाण सेवाओं के क्षेत्र में इमर्ज होकर हमें धोखा दे सकता है। तो अभी बाप दादा चाहते हैं लक्ष्य भी संपन्न होना है और लक्ष्य जो रखा हुआ है उसको समान बनाना है। तो बाबा देखते हैं कभी कभी बच्चे चलते चलते भूले तो नहीं करते, लेकिन कभी खुशी गुम हो जाती है, कभी अकेलेपन का, निराशा का, वैराग्य वृत्ति का, कहीं परिवार से किनारा करके दूर चले जाएं, उदासी दासी का, एकांत पर चले जाएं, कहीं दिल नहीं लगती, रेस्ट पे चले जाएं। बाबा कहते हैं ये सूक्ष्म में बच्चों को फील होता है। तो इसका क्या मतलब है, बाबा कहते सूक्ष्म में जो अंश, सूक्ष्म अंश में जो अभिमान रहे हुए हैं वो अंतर में कमाल और धमाल मचाते हैं, व्यर्थ संकल्पों का तूफान आ जाता है। तो बाबा कहते इसे भी चेक करना है, चेंज करना है, और ना चाहते हुए भी यह स्थिति आ जाती है। तो बाबा कहते जब निरअहंकारी बन जाएंगे संपूर्ण रीति से आकारी और निराकारी स्थिति से आने की दिल नहीं होगी, क्योंकि जब आत्मा इस सब स्थितियों में टिकेगी तो वो लवलीन स्थिति का अनुभव जब होगा, माना हमारी ओरिजिनल स्थिति परम धाम में है ही बिंदु स्वरूप, एकदम डेड साइलेंस निराकारी स्टेज। तो बाबा कहते फिर एग्जाम्पल देके, आत्मा ने शरीर में प्रवेश किया है या शरीर ने आत्मा में प्रवेश किया है, तो बाबा कहते इस पर अटेंशन देनी है, क्योंकि ओरिजिनल स्वरूप तो है ही निराकारी। तो अब क्या करना है, शरीरधारी माना शरीर का आधार लिया है, या आप आत्मा ने साकार शरीर का आधार लिया है, शरीर ने आत्मा का आधार लिया है, तो ये आप चेक करो और चेंज करो और अपनी ओरिजिनल स्थिति में सहज रहना है। फिर बाबा ने बोला मोटे रूप से अहंकार का दरवाजा क्या है, मैंपन, सूक्ष्म में मैंपन, मैं शब्द जब आता है तो बाबा कहते हैं उड़ती कला में लाने के लिए, एलिवेटेड स्टेज में लाने के लिए मैं शब्द को यूज़ करना है, माना मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान, मैं आत्मा दिल तक तो नशीन आत्मा, मैं नूरे रतन आत्मा। तो बाबा कहते हैं ऐसे शब्द में मैं यूज़ करो कि आपकी ओरिजिनल निराकार स्वरूप याद आ जाए, नेचर नेचुरल हो जाए, स्थिति आपकी एकदम उड़ती कला की हो जाए। अब जब बाबा कहते हैं दिन में कई बार आप मैं शब्द यूज़ करते हो, मैं सोचती हूँ, मैं करती हूँ, तो बाबा कहते हैं अब विधि है निराकारी व आकारी बनने की, जब मैं शब्द यूज़ करो तो ओरिजिनल आपका निराकारी स्वरूप सामने आ जाए। तो बाबा कहते लक्ष्य और लक्षण फिर समान हुआ ही पड़ा है। तो बाबा कहते हैं अब देहभान का मैं समाप्त करो और दे मैं शब्द ही दे अहंकार में लाता है,
और मैं निराकारी आत्मा स्वरूप हूँ, यह स्मृति आते ही बाबा कहते हैं देह भान से परे हो जाती है आत्मा। फिर बाबा कहते निराकारी बन आकारी फरिश्ता बन करके कार्य स्वरूप में आना है, माना कर्म संबंध के स्वरूप में संबंध में आना है, संबंध को बंधन में नहीं लाना है। अगर देह अभिमान में आकर कर्म संबंध में आए, माना कोई कार्य क्षेत्र में आए ईश्वरीय कार्य में यज्ञ में, तो वो देह अभिमान के कारण कर्म बंधन बन जाएगा। फिर देह संबंध में आना अर्थात कर्म संबंध में आना, और देह के वश में आना माना कर्म बंधन में आना, तो बाबा कहते दोनों में अंतर है। तो अब इस अंतर को मिटाना है और अकारी निरअहंकारी फरिश्ते और निराकार स्थिति के लक्षिक और लक्षण कितने समान हुए ये चेक करना है। फिर बाबा आज याद दिला रहे हैं कि महान आत्माएं कौन है और इसकी विधि क्या है। महानता की बाबा कहते निशानी ही है क्या निर्माणता। जितनी आत्मा निमित होगी निर्माण होगी और सर्व के दिलों पे भी राज करेगी और सबके दुआओं की पात्र भी बनेगी। और महान आत्मा के लिए निमित होना और निर्माणता होना उतना आवश्यक है बाबा कहते हैं जितना निरअहंकारी बनना। तो माना निरहंकारी आत्मा ही निमित बनेगी, वही फिर निर्माण बनेगी निर्माणचित होगी और वही आत्मा फिर महान बनेगी। तो आज बाबा ने ये इक्वेशन बनाई है। तो सबके पीछे मूल आधार है निरअहंकारी बनना है, निरअहंकारी आत्मा ही निमित बनेगी, निमित आत्मा ही निर्माण, और निर्माण जितना निर्माणचित होगी उतनी ही आत्मा महान बनेगी। फिर बाबा ने बोला निरअहंकारी बनने की विशेष निशानी निर्माणता। माना निर्माणता किस किस चीज़ में होगी हम सब नोट करेंगे। निर्माणता वृत्ति में, दृष्टि में, वाणी में, संबंध संपर्क में। बाबा कहते ऐसा नहीं कि मेरी वृत्ति में तो नहीं था लेकिन बोल निकल गया, लेकिन बाबा कहते हैं जो वृत्ति माना जो आपके सोच में होगा, विचारों में होगा, संकल्पों में होगा, वही तो वाणी में आएगा, फिर वही वाणी में आएगा, वही दृष्टि में आएगा। और बाबा कहते हैं संबंध संपर्क में आएगा, चारों में ही चाहिए। तो बाबा कहते हैं अगर तीन में है और एक में नहीं है तो अहंकार आने की मार्जिन है। तो बाबा ने आज कितनी सुंदर चेकिंग बताई है। तो अपने आप को चेक करना है कि मैं महान आत्मा कहाँ तक बनी हूँ, जो हमारा 31 दिसंबर 2022 का भी वरदान था महानता और निर्माणता पर। बाबा कहते चाहना तो बाप दादा की भी है और आप बच्चों की, अब चाहना दोनों की एक है, अभी बाबा कहते हैं करना भी एक समान करना है। फिर बाबा ने सेवा अर्थ बताए, बाबा कहते हैं सेवा अर्थ नए नए प्लान बनाते हैं, नए वर्ष में क्या क्या करेंगे, छोटे प्रोग्राम बड़े प्रोग्राम संबंध सर्पक भी बढ़ाएंगे, भाषण भी करेंगे, लेकिन इन सब के पीछे भी जो एक सेवा रही हुई है उस पर बाबा आज इशारा दिलवाते हैं। वो है बाबा कहते अगर वर्तमान समय के गति प्रमाण अभी अगर वो सेवा अगर ले आएंगे, तो वो अगर लक्षण अपने में ले आएंगे, लक्ष्य रखेंगे सेवाओं की फास्ट गति, तो बाबा कहते हैं वो होगी अपनी वृत्ति और वाइब्रेशन को पावरफुल बनाना। माना वाणी द्वारा, संपर्क द्वारा, संबंध द्वारा तो सेवा हो रही है, मनसा सेवा भी होते करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं उतनी सफलता क्यों नहीं होती। तो बाबा कहते हैं वाणी के साथ साथ स्थिति और स्थान, माना स्थिति आपकी अपनी स्वयं की आत्मा की स्थिति और धरनी जहाँ पर हम सेवाएं कर रहे हैं, जिस सेवा में हम कर रहे हैं उस धरनी को भी पावर अपनी वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन द्वारा पावरफुल बनाना है। उसके लिए बाबा ने एक ही बात बोली है कि व्यर्थ का अपने मन से आत्मा से कीचड़े को निकालना पड़ेगा। बाबा फिर एग्जांपल देते हैं आपके जड़ चित्रों के वाइब्रेशंस कितने हाई हैं तो आज भी वो भक्तों को प्रसन्न करने की सेवा कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं विधि क्या है, वाणी द्वारा बल करो, प्लानिंग भी बनाओ, लेकिन वाणी के साथ साथ वाइब्रेशंस की ऐसी विधि बनाओ जो वाणी और वाइब्रेशंस माना वाणी भी आपकी काम करे, योग युक्त वाणी, आपकी वाचा जो हो योग युक्त हो तो डबल सेवा होगी, डबल काम होगी। तो बाबा कहते हैं वाइब्रेशंस तो वाइब्रेशंस की टचिंग मानस पटल पर हर आत्मा या मनुष्य के मन में बहुत लॉन्ग अवधि तक
बहुत अधिक समय तक अवधि तक रहती है, लेकिन वाणी से कहा हुआ फिर भी हम भूल सकते हैं, कईयों को भूल जाता है। तो बाबा कहते हैं वाइब्रेशन की छाप अब बहुत ज़्यादा समय तक रहती है, तो उस पे ही विशेष काम करना है। वाइब्रेशंस का कोई भी माना, वाइब्रेशंस पॉजिटिव हो या नेगेटिव, वो अनेक समय तक बुद्धि में बैठी रहती है। तो बाबा कहते हैं अब हमें किसी के साथ भी कार्य व्यवहार में आना है तो पावरफुल वाइब्रेशन से आना है। रूहानी वाइब्रेशंस फैलाने के लिए सबसे पहले मन बुद्धि से किचड़े को समाप्त करना है। व्यर्थ को समाप्त करेंगे तभी रूहानी वाइब्रेशंस काम करेगी। फिर बाबा ने स्थूल सूर्य का उदाहरण दिया। स्थूल सूर्य सब जगह अपनी प्रकाश फैलाता है, लेकिन कहाँ कहाँ प्रकाश नहीं आ सकता? अगर सामने उस प्रकाश की दीवार है या बादल आ गए तो प्रकाश का, सूर्य का प्रकाश नहीं आ सकता। उसी प्रकार रूहानी वाइब्रेशंस उन आत्माओं तक तभी पहुँचेंगे जब आपके स्वयं के मन बुद्धि में किचड़ा नहीं होगा। समर्थ आत्मा ही, पावरफुल आत्मा ही पावरफुल वाइब्रेशन से और आत्माओं को आकर्षित कर सकती है और पावरफुल वाइब्रेशन माना पावरफुल धरनी बना सकती है। तो बाबा ने कहा सेवा में वृत्ति द्वारा रूहानी वाइब्रेशंस के साथ साथ सेवा करो तो सेवा फास्ट गति की भी होगी और सेवाओं में वायुमंडल और वाइब्रेशंस में भी सफलता मिलेगी और बहुत सारी आत्माओं का फिर आप कल्याण कर सकते हैं। फिर बाबा ने बोला कि अब प्रोग्राम के लिए अगर ऐसी स्टेज बनाएंगे और प्रयोग आगे भी करेंगे तो ये आगे आगे बढ़ता जाएगा। अब संपर्क संबंध से सेवा सहयोग के द्वारा भी वृद्धि को प्राप्त कर सकते हो। मानो जो संबंध संपर्क में सहयोगी हैं उनका सहयोग लेके आगे इसी विधि से सेवाओं में बढ़ाओ तो वो सेवा में सहयोगी बनेंगे, तो आगे कभी कभी हो सकता है वो सहज योगी भी आपे बन जाएं। तो बाबा ने जैसे कि ये वरदान दिया जो आज सहयोगी आत्माएँ हैं वो सहज योगी आपे ही एक दिन बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसे बढ़ते बढ़ते सहयोग उन्हों को योगी बना देता है। तो ऐसे सहयोगियों को आगे बढ़ाओ उमंग उत्साह के द्वारा, उनके अनुभव को आगे लेकर आओ और उनको सहयोगी बनाने के साथ साथ प्रैक्टिकल में बाबा कहते हैं प्रत्यक्ष दुआओं के अधिकारी भी बनते हैं और सेवाओं के फिर वो निमित्त भी बनते हैं। फिर बाबा ने बोला पूरे वर्ष में, इस नए वर्ष में बाबा ने बोला कि सेवाओं के साथ साथ कुछ मास मुकरर करो अपनी स्वस्थिति स्व पुरुषार्थ के ऊपर भी। माना हम स्वयं शक्तियां धारण करें, अभ्यासी बने स्वयं के पुरुषार्थ में, उसके लिए बाबा कहते तपस्या रिट्रीट भट्टियां करो। जैसे बाबा के सीजन चलती है विभिन्न विभिन्न देश के बच्चे आते हैं, तो बाबा कहते हैं ऐसे देश के प्रमाण दो दो मार्क्स मास फी फिक्स करो। माना सीजन के अनुसार अनुकूल, जैसे दो मास तपस्या के, दो मास छोटी बड़ी सेवाओं के, ऐसे बाबा कहते हैं 12 मास सेवा तो नहीं करते बैठेंगे और 12 मास तपस्या भी करते नहीं बैठेंगे। तो जैसी सीजन हो उस हिसाब से कुछ समय तपस्या के लिए, कुछ समय सेवाओं के लिए, ऐसे साथ साथ लक्ष्य रखो और अपने स्थान पर मुकरर करो जिससे सेवा और स्व उन्नति में प्रगति हो सके। बाबा कहते इस सीजन की समाप्ति है, माना बाप दादा के मिलन की आखिरी मास है मार्च का। तो बाबा कहते समाप्ति में क्या होता है, समाप्ति समारोह भी मनाया जाता है, माना सेलिब्रेशन होता है। तो बाबा कहते या स्वाहा क्या करेंगे, माना कुछ धारण किया जाता है और कुछ छोड़ा जाता है। तो बाबा कह रहे हैं विशेष मन बुद्धि से स्वाहा करना है, वाणी से नहीं, पढ़ लिया वह भी नहीं। बाबा कहते हैं मन बुद्धि से स्वाहा करना है तो बाबा कहते तीव्र गति से सेवा कैसे नहीं होगी, ऐसे हो ही नहीं सकता। तो क्या करना है, किसी भी माना सर्व आत्माओं के प्रति अगर मनसा में व्यर्थ वाइब्रेशन है, व्यर्थ सोच है, व्यर्थ विचार है, बाबा कहते हैं उसको स्वाहा करो। फिर बाबा पूछते हैं कर सकते हो कि थोड़ा थोड़ा रहेगा, तो ऐसा नहीं करना कि थोड़ा थोड़ा तो आ ही जाता है, लेकिन बाबा कहते हैं अगर आप नेगेटिव वाइब्रेशंस को बदल कर पॉजिटिव
वाइब्रेशन में आएंगे तो वो आत्माएं भी नेगेटिव से पॉजिटिव में आ ही जाएंगी। तो जैसे कि बाबा ने हम सब आत्माओं को ये वरदान दिया कि आप करके देखो, बाप दादा की पद्मा पदम गुना मदद हमारे साथ वरदान के रूप में है कि जैसे कि हुआ ही पड़ा है। तो बाबा कहते हैं जब तक ये व्यर्थ वाइब्रेशंस मन बुद्धि में है, फास्ट गति की सेवा और सफलता नहीं हो सकती। तो बाबा कहते हैं हमारी वृत्तियाँ क्या हैं, रॉकेट है, माना वाइब्रेशंस, पावरफुल वाइब्रेशंस हमारी वृत्तियाँ, रूहानी रॉकेट है। तो बाबा कहते हैं एक ही स्थान पर बैठे हुए चाहे जितनों को पहुँचाना चाहते हो पहुँचा सकते हो। पावरफुल वृत्ति से वाइब्रेशंस और वायुमंडल बाबा कहते हैं ऊंचा हो जाता है, पावरफुल हो जाता है। तो जितना हो सके अपनी वृत्तियों को, इस रूहानी रॉकेट को पावरफुल बनाना है, माना पावरफुल वाइब्रेशंस हमें फैलाने हैं। बाबा कहते हैं फिर आत्माएं चाहे रियलिटी में ही क्यों ना रॉन्ग हो, कोई बात नहीं, आप रॉन्ग को धारण नहीं करो। और बाबा ने आपको समझ दी है, नॉलेज दी है, नॉलेज माना समझ, जो हम रोज ज्ञान लेते हैं, श्रीमत लेते हैं। तो बाबा कहते हैं ये श्रीमत नहीं है कि किसी भी रॉन्ग को रॉन्ग के साथ रॉन्ग बन जाओ और उनके साथ पैसा ही हम व्यवहार करें। तो अब क्या करना है, नॉलेजफुल के साथ पावरफुल भी बनना है, माना समाना है किसी की गलत बात को। बाबा कहते समाना तो ठीक है, समाना आता है, समाप्त करना नहीं आता। तो अभी क्या करना है, समझदार बनकर समाना भी है, समझना भी है, समाप्त भी करना है, मिटाना भी है और फिर परिवर्तन भी लाना है समाने के साथ साथ। तो बाबा कहते हैं इस नए वर्ष में मन बुद्धि को बिल्कुल व्यर्थ से फ्री करो, माना बिल्कुल इजी रहना है। और बाबा कहते हैं इस फास्ट गति से फिर सेवाएं भी फास्ट गति की होंगी, साधारण नहीं होंगी। तो अब समाप्ति वर्ष में, समाप्ति के समय इस समाप्ति समारोह का स्वाहा का समारोह मनाना है, माना बिल्कुल मन बुद्धि क्लीन होनी चाहिए। बाबा कहते हैं कैसी भी आत्मा हो, क्षमा करना है, शुभ भावना रखनी है, शुभ कामना की वृत्ति रखनी है, शुभ वाइब्रेशंस धारण करने हैं। तो बाबा कहते हैं लास्ट में आगे बढ़ते हुए भी यही आपकी शुभ भावना, शुभ कामना और एलिवेटेड थॉट्स, एलिवेटेड आपकी वृत्ति वाइब्रेशंस आगे सेवाएं बढ़ाएंगी। बाबा कहते हैं अब जल्दी से समाप्ति कर, माना 9 लाख की आत्माओं को बनाना है। तो बाबा ने कहा व्यर्थ वृत्ति, व्यर्थ वाइब्रेशन स्वाहा करना है तब समझ लो नेचुरल योगी और नेचर में, माना संबंध में, व्यवहार में फरिश्ते जैसे के बने ही पड़े हैं। आज सदगति दाता का वरदान है। बाबा ने कहा मर जीवा जन्म में सदा संतुष्ट रहने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भाव, माना ये ब्राह्मण जीवन जन्म ही माना मर जीवा जन्म, सर्व शक्तियों के हाजिर हजूर का जन्म, सर्व गुणों से और सब प्राप्तियों से संपन्न जीवन, संपन्न ब्राह्मण जन्म, अप्राप्ति कुछ भी नहीं। तो बाबा कहते ऐसे पद्मा पदम हमें बनाने वाले कौन हैं, परमपिता परमात्मा, जिनके आगे हद की इच्छाएं कोई मायने नहीं रखती, जैसे कि सूर्य के आगे दीपक जलाने वाली बात है। तो यह सब प्राप्ति संपन्न जीवन, तो अब सदा संतुष्ट रहें और हर हद और बेहद की भी इच्छाएं, बेहद की भी इच्छाएं हैं और हद की भी इच्छाएं, उन सब से इच्छा मात्रम अविद्या बनेंगे। तो जैसे कि हमारे सारे संस्कार इजी रहेंगे, हम हर बात से बिल्कुल क्लीन और व्यर्थ से फ्री रहेंगे, तो फिर कैसी भी परिस्थिति होगी तो अपने को हम मोल्ड कर सकेंगे। तो ये है साकार में कुछ पॉइंट्स, तो जो जो बाबा ने आज हमें बोला लक्ष्य और लक्षण समान हो, तो उन विषयों पर, उन विधियों को अपनाकर हम टूल में यही लेंगे आज कि जितना हो सके लक्ष्य और लक्षण समान हो, माना निरअहंकारी आत्मा बनना है, व्यर्थ से अपने आप को फ्री रखना है और हर प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखनी है। कैसी भी आत्मा चाहे रॉन्ग हो, कैसी भी हो, लेकिन बाबा कहते हैं मैंने आपको समझ दी है तो समझदार बनकर समाप्त कर, मिटाना भी है, समझना भी है, समझा समाना भी है और परिवर्तन भी करना है और अपने आप को बिल्कुल व्यर्थ से फ्री रखना है इस नए वर्ष की आगमन की बेला में।
और अपनी वृत्तियों को पावरफुल बनाकर सेवाओं की सफलताओं को हासिल करना है और सेवाओं को फास्ट गति से बढ़ाना है। अच्छा, ओम शांति।